हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज है नीट का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे बच्चे पैनिक में हैं, बार बार वेबसाइट ओपन करके देख रहे हैं क्या सच में आज नीट का रिजल्ट आने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल भी ये चीज़ को अपडेट कर रहे हैं अब कि आज 4 बजे रिजल्ट आएगा, 6 बजे आएगा, लेकिन अभी 7-8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो क्या रात में रिजल्ट आने के पॉसिबल चांसेस हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि रात में रिजल्ट आ सकता है? मैंने अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी पढ़ के आया हूँ, तो उनका मानना है कि जो रिजल्ट है वो आज आने वाला है रात के 10 बजे जो आपका रिजल्ट आएगा। मे भी जब आप वीडियो ये देख रहे हो क्या पता रिजल्ट आ चुका होगा, तो 90% चांसेस है कि आज 10 बजे या 11 बजे तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। उनका मानना है कि 10 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट भी जो है वो कन्फर्म्ड नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कोई 8 बजे बोल रहा है, कोई 9:30 बोल रहा है, कोई 9 बजे बोल रहा है, कोई 10 बजे बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि 11 बजे तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो अगर आपको हिंट देना कि एक्चुअल में रिजल्ट आता कब है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो वेबसाइट पे जाके चेक भी कर रहे हैं, तो इसका एक मैं हिंट देता हूँ। जब आपकी वेबसाइट जो है वो लैग होने लग जाए या क्रैश होने लग जाए या ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आए, ठीक है, यानी कि वो डाउन चली जाए, इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड हो रहा है या वहाँ पर खतरे की घंटी जो है बज रही है। वो आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी। जैसे वो आपकी वेबसाइट डाउन होगी और जैसे वो फिर रिफ्रेश होकर आएगी, इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बता दिया मैंने कि ये एक होता हिंट होता है, क्योंकि अदरवाइज एनटीए कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं देता। इवन एनटीए का कोई भी बोर्ड का जो है इस चीज़ के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं देता कि हम रिजल्ट को अपलोड करने वाले हैं। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर आप अगर चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे भी चेक कर रहे हैं, हम भी चेक कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर भी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है एनटीए की वो लैग करने लग जाए, हैंग होने लग जाए, इट मीन्स वहाँ पे जो है कोई ना कोई काम चल रहा है, मतलब आपके रिजल्ट के आने के जो चांसेस है बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो जैसे ही वो रिफ्रेश होगी आपकी जो वेबसाइट, आधे घंटे बाद हो जाए, घंटे बाद हो जाए, तो समझो आपका जो रिजल्ट है वो आ गया। साथ साथ एक और चीज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि मणिपुर का जो एग्जाम हुआ है तो उसकी तो ऑफिशियल आंसर की अभी तक आई नहीं है। तो देखो एक चीज वो भी हिंट दे देता हूँ कि अगर मणिपुर की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, वो आपके रिजल्ट से 10-15 मिनट पहले भी कई बार आ जाती है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो वहां से भी आप अगर आप हिंट लेना चाहते हो, आप वहां से भी हिंट ले सकते हो कि अगर मणिपुर की ऑफिशियल की आंसर की आ गई, ठीक है, आपके रिजल्ट से 15 मिनट पहले भी आ सकती है, आधा घंटा पहले भी आ सकती है, तो हमारे पास रिजल्ट के और जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आधा घंटा पहले ही आएगी, दोनों रिजल्ट और आपके ऑफिशियल आंसर की जो मणिपुर की है वो एक साथ भी आ सकती है। बाकी आपके पास तो आपकी ऑफिशियल आंसर की पहले ही आ चुकी है, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने कैलकुलेट स्कोर कर भी लिया होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप सेफ हो या नहीं सेफ हो। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है कि नीट का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कैटेगरी वाइज भी और स्टेट वाइज भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख लेना, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम सेफ स्कोर के अंदर हैं या नहीं है। तो हमें MBBS मिलेगी या BMS मिलेगी, तो किस स्कोर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उसकी वीडियो का लिंक जो हम आपको लास्ट में आपको वीडियो को चलो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लास्ट में जाकर वो वीडियो को देख लेना। इसलिए पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। हमने मेहनत की, हमें मेहनत का फल जो है वो जरूर मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है फिर भी क्यों रहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास जिंदगी है, लाइफ है, बहुत सारे चांसेस अभी पड़े हैं। अभी तो एनटीए ने इतने सारे बोल रहा कि आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट मारो, ठीक है, अगर एक अटैम्प्ट में हमारा नहीं भी हो पाया तो क्या, वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट अटैम्प्ट भी आ गया, देखो जून चल रहा है और 6-7 मैक्सिमम 8 महीने हमारे पास बचे हैं, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट भी आ जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना, यहाँ इतना टाइम निकला है, इतना टाइम हमने सबर किया, इतना वेट किया, तो 7-8 महीने अगर हम और प्रेपरेशन कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे, ठीक है, तो क्या पता हम इससे ज्यादा भी बेटर और भी कुछ डिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपका रिजल्ट आएगा, और कंपलसरी नहीं है कि 10 बजे ही आएगा, 11 भी बज सकते हैं, 10:30 भी बज सकते हैं, क्योंकि पिछली बार रिजल्ट था भी यही बोला गया था पिछले साल भी कि 10 बजे या 10:30 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट 9:30 बजे ही आ गया था। तो इस चीज़ को आपने पैनिक नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं होना, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड एक रिक्वेस्ट मेरी भी है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।